हाँ छात्रों सुप्रभात। आज हम दूसरी इकाई के पद्य पूरक पठन और दूसरा पद्य देखा, अब उसी में ही पांचवा गद्य कौन सा है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। अब इस गद्य का लेखन करने वाले लेखक सुनील शास्त्री जी। अब सबसे पहले ये जो गद्य है, इस गद्य के जो लेखक हैं, इनका संक्षिप्त जो परिचय होगा उसे हम सबसे पहले देख लेंगे। देखिए, इन्हीं का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ है। वे आज 70 वर्ष के हो चुके। देखिए, इनके परिचय में शास्त्री जी, सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। देखिए इनका परिचय, इसमें आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी तथा द्वितीय प्रधानमंत्री कहकर जो जिन्हें पहचाना जाता था, लाल बहादुर शास्त्री जी। सबसे कम कद वाले, यानी ऊंचाई कम लेकिन ईमानदारी या सच्चाई बहुत अधिक, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, इन्हीं के बेटे ने ही इस गद्य का लेखन किया गया है। आप एक राजनेता के अलावा, देखिए वह एक नेता के रूप में, यानी पिताजी राजनीति में हैं तो बेटा भी राजनीति में, उसकी जानकारी होगी। इसे छोड़कर ये उसके अलावा इन्होंने क्या किया, कवि और लेखक भी है। इन्होंने पद्यों का भी लेखन किया गया, इसके साथ साथ एक लेखक के रूप में भी इन्होंने लेखन किया। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। देखिए लेखक की जो दिलचस्पी है वो कौन से, कविता काव्य करने में, लेखक करने में, संगीत सुनने में और समाज में जो कार्य हो जाते हैं, इस सामाजिक कार्यों में भी उन्हें पहले से ही लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर आपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहे हैं। देखिए सामाजिक या आर्थिक, इसी में परिवर्तन होना चाहिए, इस विचार पर, इस सोच पर लेखक शास्त्री जी, सुनील शास्त्री जी क्या करते थे, बल्कि पत्र पत्रिकाओं में जो अपनी बात है वो व्यक्त करते थे लेखन के माध्यम से, वो दे देते थे। अब इनके कुछ रचनाओं के जो नाम है, इन्होंने लेखन किए गए कुछ किताबों के नाम, इसमें पहली प्रमुख कृतियां कहकर जो है, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इन्हें अपने पिताजी पर ही इन्होंने एक लेखन कार्य किया गया है। इस पुस्तक को अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है या किया गया है। अब ये जो हमारे सामने ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये जो गद्य रखा है, ये कौन सा है, बल्कि साहित्य जगत में संस्मरण। देखिए संस्मरण किसे कहते हैं, कि जो घटनाएं घट कर गई हुई, ये जो अनुभव आ चुके हैं बाद में उसे याद कर कर लिखना। तो ये जो संस्मरण है, सुनील शास्त्री जी ने उनके बचपन से, बचपन में जो पिताजी किस तरह के थे या कैसे व्यवहार इनका था, इन बातों को जब वो लेखन करने लगे उस समय इसे याद कर कर लिखा गया है। इसीलिए ये जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है, ये संस्मरण इन्होंने, यानी किन्होंने, उनके बेटे ने, सुनील शास्त्री जी ने इसे संस्मरण के साहित्य
के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की। अब इसमें क्या बातें बताने की कोशिश की गई है संक्षिप्त में देख रहे हैं। देखिए इस संस्मरण में इन्होंने स्वर्गीय इन्हें जो आज मौजूद नहीं है कौन लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी यानी उनके पिताजी किस तरह के ईमानदार व्यक्ति थे और वो इतने ईमानदार होने के बाद सादगी रहन सहन इनकी कैसी थी आम व्यक्तियों के जैसे और सरलता वे कभी भी दूसरों की बुराई या अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ न हो ऐसी सरलता सच्चाई कुछ भी कोई भी बात हो झूठ उनके जीवन में नहीं होती होगी और पर दुख कारणता यानी दूसरों को दुख हो या दूसरों को तकलीफ हो ऐसा वह नहीं चाहते हैं। ये जो इनके गुण हैं इन गुणों को बड़े अच्छे ढंग से यहाँ उनके बेटे ने इन्हें सूर्य शास्त्री जी ने हमारे सामने रखने की कोशिश की। देखिए कौन कौन से गुण इनकी ईमानदारी इनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी रहन सहन सीधा साधा सरलता कभी बुराई या दूसरों की कमियां देखना या उसे बताना ये ऐसे बेनती सच्चाई लेकिन हर समय सच्चाई का साथ और पर दुख कारकता दूसरों के प्रति दूसरों को तकलीफ हो या दूसरों के दुख में सम्मिलित होना ये इनके जो गुण थे पिताजी के ये इन्होंने इस ईमानदारी की प्रतिमूर्ति में अपने पिताजी के बारे में जो उनका सादगी सरलता सच्चाई ईमानदारी ये इन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की। इस गद्य को हम अभी देख रहे हैं। देखिए पेज नंबर 68 देखिए पांचवा गद्य ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। देखिए यहाँ हम देखना आरम्भ करें। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। देखिए अभाव यानी क्या कमी अभाव यानी कमी लेखक करे सूर्य शास्त्री जी करे उन्होंने अपने जीवन में यानी लेखक के जीवन में बाबूजी के रहते बाबूजी यानी कौन लाल बहादुर शास्त्री जी वे रहते वे कभी भी किसी बात की कमी उन्होंने महसूस नहीं हुई उन्हें क्या मालूम नहीं है उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता बाबूजी दुनिया से गए यानी वे नहीं है तो उसी के बाद लेखक पर जो उसका असर हुआ है वह उस समय जो इनके जीवन में घटनाएं घटी वे वह एक दूसरी तरह का अभाव था ये दूसरी कमियां थी कौन बाबूजी नहीं थे इसीलिए उन्हें अपने जीवन में दुख या जो इन्हें मालूम नहीं है किसी बात की कमी न थी बाबूजी थे उस समय लेकिन बाबूजी नहीं है तो इन्हें इस बात का अभाव होने लगा कमी महसूस होने लगी कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। बाबूजी आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कर थे लेकिन वे न रहने के बाद लेखक को नौकरी करनी पड़ी उन्होंने नौकरी कहाँ की तो बैंक में नौकरी करनी पड़ी लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं लेकिन इन्होंने बाबूजी न रहने के बाद इन्हें नौकरी करनी पड़ी बैंक की लेकिन बाबूजी जब थे उसी समय जब मैं जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। लेखक करे कि लेखक का जब जन्म हुआ था उसी समय उत्तर प्रदेश यूपी से कहते वहाँ के भी पुलिस मंत्री कहा उस समय आज जिसे गृह मंत्री कहकर जाना जाता है उसे ही पहले पुलिस मंत्री कहकर पहचाना जाता था
जाना जाता था। इसी पद पर वे थे जब लेखक का जन्म हुआ था। कौन? पिताजी। पिताजी यानी कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे, इसीलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आलीशान यानी क्या? शानदार, शानदार। तो उन्हें लेखक को उसी समय बचपन में लगता था कि पिताजी बड़े पद पर हैं, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री या पुलिस मंत्री पद पर है, तो उनके पास जो भी गाड़ी होगी छोटी सी, इस गाड़ी से बड़ी गाड़ी उनके पास होनी चाहिए। इसी तरह लेखक को और वह आलीशान शानदार बड़ी गाड़ी हमारे पास रहनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाल शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। देखिए, लेकिन बाद में आगे जब लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए और उसी समय उनके यहाँ कार्यालय में यह शासन की ही इम्पाल कंपनी की शेवरलेट ये नाम की गाड़ी बड़ी आलीशान थी, बड़ी शानदार थी, और इसे देखकर लेखक को लगता था, लेखक की उम्र कम ही थी, उन्हें लगता था देखिए ये लगभग ये 61 इसके बीच वे इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में थे, इन्हें लेखक लगभग 10-15 साल के होंगे। उसी समय उन्हें लगता था कि ये कभी मौका मिल गया तो ये गाड़ी चलाऊंगा, चलाने के बाद कैसे लगेगा, क्योंकि उन्हें तो वह छोटी गाड़ी पहले से आ जाती थी। प्रधानमंत्री का लड़का था, उन्हें लगता था कि मैं देश के प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, कोई मामूली बात नहीं थी, एक साधारण नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। इस तरह सोचते और अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाते, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इन्हें वो गाड़ी चलाने का अवसर भी मौका भी मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई, धीरे धीरे उनके मन में ये बात कहने की या उसे कैसे लेंगे इसकी हिम्मत भी इनके मन में पैदा हुई थी कि ऑर्डर देने की। अब ऑर्डर देने की यानी किन्हें ऑर्डर देंगे? कि जो नौकर होंगे, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होगा, उन्हें वो कुछ कर सकते थे। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, अब देखिए बाबूजी जो है प्रधानमंत्री, तो इनके जो सचिव के रूप में ज़्यादा पढ़े लिखे होशियार जो लोग रहते हैं वे सचिव के रूप में काम करते हैं, और प्रधानमंत्री के सचिव यानी बड़े ही होंगे। तो उनसे एक दिन क्या किया लेखक ने, यानी सुनील शास्त्री जी ने क्या कहा, देखिए सहाय साहब जिन्हें उन्हें सुझाव देने वाले, मदद करने वाले, उनका हिसाब किताब रखने वाले सहाय साहब, जरा ड्राइवर को कहिए इम्पाल लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। अब इन्होंने क्या किया, सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी के जो सचिव है उनसे कहा कि उन्हें ड्राइवर से कहिए कि जो इम्पाल जो गाड़ी है रेजिडेंसी की तरफ, यानी भी जहाँ रहते हैं उस तरफ लाने के लिए कहा। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। 2 मिनट के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर दरवाजे पर आ गया। अनिल भैया ने कहा, उसी समय लेखक का बड़ा भाई जो है अनिल, अनिल भैया ने क्या कहा, सुनील छोटा और लेखक अनिल उसका भाई, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ, मैं तो इसे नहीं चलाऊंगा, बड़ी गाड़ी है इसीलिए वो डरने लगे, तुम ही चलाओ, इस तरह लेखक से कहा। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। और इन्होंने
ड्राइवर से चाबी मांगी, आप यहाँ आराम कीजिए, हम थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं। आगे गाड़ी ले हम चल पड़े। गाड़ी में लोग लेकर गए, क्या शान की सवारी थी, बहुत ही अच्छी बड़ी गाड़ी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी, झुरझुरी यानी कंप कंपी, क्या है कंप कंपी, अरे बहुत ही अच्छा लगने लगा। और जिसके यहाँ खाना था, इन्हें किसी के घर में खाना खाने के लिए बुलाया था, इन्हें दावत थी, वहां पहुंचा ये गाड़ी लेकर। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, अब मित्रों के साथ बात करने में इन्हें समय का ख्याल ही नहीं रहा, कितनी देर हुई हम आ गए, देर हो गई, वे गाड़ी जल्दी लेकर वापिस आने वाले थे लेकिन उन्हें आने में देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, तब तो इन्होंने देखा घड़ी की तरफ तो उन्हें लगने लगा पिताजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, वे घर आ गए और जो इन्होंने उनका जो क्वार्टर होगी, जो बड़ा सा मकान होगा उसे फाटक जो होगा वहाँ इन्होंने पहले गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया, कौन लेकर उतर कर कहाँ आ गए गेट तक, संतरी को हिदायत दी, संतरी यानी पहरेदार, पहरेदार ठीक है, संतरी को हिदायत दी, हिदायत देना सूचना देना, हिदायत देना सूचना देना, और उन्होंने सूचना दे दी ये सैलूट वैलूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। ये साहब आने के बाद खड़े रहना, जोर से सैलूट मारना, फिर गेट खोलना, ये सब कुछ नहीं करना है, धीरे से दरवाजा यानी गेट धीरे से खोल दो, अगर गेट की आवाज आ रही है तो उसे बंद मत करना, तो बाद में थोड़ा 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 करके इसे बंद कर दो। इस तरह की सूचना हिदायत लेखक ने वहाँ जो पहरेदार था संतरी जो था उसे दे दी। आगे बाबूजी का डर, ये क्यों कर रहे थे इस तरह की, बाबूजी को पता चलेगा हम ये गाड़ी लेकर गए हैं तो वह खटपट सैल्यूट मारेगा और आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज हो जाएगा। ये ऐसे क्यों किया था लेखक ने कि उन्हें लगने लगा कि ये सैल्यूट मारेगा, जोर से गेट खोलेगा फिर बंद करेगा तो इसकी आवाज हो जाएगी, पिताजी को पता चलेगा कि उनके बेटे बाहर गए थे बड़ी गाड़ी लेकर, और फिर भी कुछ डांटेंगे बुलाएंगे इसी तरह पूछताछ करेंगे। इस डर के मारे इन्होंने पहले ही संतरे को पहरेदार से जानकारी देकर धीरे से ये सैल्यूट नहीं मारना है या गेट धीरे से खोलना है, बंद मत करना अगर आवाज हो रही है तो, इस तरह की सूचना दे दी। आगे वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताजी है, सुबह तक बाद में पानी पड़ चुका होगा। देखिए पानी पड़ना यानी ध्यान से जाना या बहुत देर से ध्यान से न रहना। देखिए आप ये बात कैसे ताजी, अभी पता चलेगा तो डांटेंगे क्यों ऐसे कुछ तो कहेंगे, अब शाम बीत गई तो सुबह तक इस बात की तरफ उनका ध्यान नहीं रहेगा, इनका पिताजी का ये सोचकर वह उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए इन्होंने ये किया था। संतरी ने जैसे कहा गया उसने किया, दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। धीरे से क्या हुआ, किचन का जो दरवाजा है गेट से नहीं, बाहर के या हॉल के दरवाजे से नहीं आ गए लेकिन पीछे के दरवाजे से भी आ गए, और लेकिन माँ उसी समय वहाँ थी, माँ की मुलाकात लेखक से हो गई। पूछा बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं, और माँ
मां से पूछा कि पिताजी आ गए, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं आपसे हमारे बारे में इस तरह? वह बोली, हाँ आ गए, पूछा था मैंने, बता दिया वे आ गए, पूछा था मैंने, आपकी जानकारी दे दी। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, इससे आगे माँ से कुछ कहेंगे ऐसे हुआ नहीं लेखक। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। अब क्यों कहा, इसी तरह माँ से कुछ कहने के बजाय वे सीधे कहाँ गए उन्होंने, बल्कि माँ से कहा कि हम देर हो गई रात में सोने में, तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, इसीलिए ये सूचना दी। माँ से मार्ग दर्शन किया, कहा कि सुबह मेरे कमरे की तरफ जल्दी किसी को मत भेजिए, इस तरह कहा इन्होंने लेखक ने। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा, अब देर हो गई है और सुबह थोड़ी देरी से उठूंगा, इसी तरह की सूचना माँ से लेखक ने दी। आगे देखिए पेज नंबर 69। सुबह 5:30-6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुबह ही क्या हुआ, 5:45 या 6 बजे के आसपास किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेजी से आवाज में कहा, नींद टूट गई लेखक ने और बड़े जोर से लेखक ने क्या कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। माँ से कहा कि देर रात से आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो, यानी कोई तो उठाने के लिए माँ होगी या कोई नौकर होगा, इसी तरह कहकर उन्होंने कह दिया। ये सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा, जगाने चाय लेकर आ गया होगा नौकर, इसी तरह अनुमान था लेखक का, इसीलिए लेखक ने वैसे ही वहां से नींद खुलते ही वैसे बात कह दी थी। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी, झंझलाता जोर से बिगड़ने की मूड में दरवाजे की तरफ बड़ा बड़बड़ाता हुआ। अब देखिए फिर भी दरवाजे पर मारने की हां आवाज हो गई, फिर दरवाजा खटखटाया और फिर झंझलाता हुआ गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और फिर बड़बड़ाता कुछ तो बात कही, लेकिन पूरी स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे कोई ऐसे नहीं, बुदबुदाना इसे कहते हैं आप। उसी तरह बात कहकर वह दरवाजे की तरफ खोलने के लिए उठे, दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं, हमें कुछ न सूझा, माफी मांगी। देखिए वे आ गए और उन्होंने दरवाजा खोला और उसी समय देखा तो कौन है, पिताजी सामने हैं, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने लगा कि नहीं लेखक हो, और फिर माफी मांगी कि मुझे लगा कि कोई नौकर होगा इसीलिए मैंने कहा ऐसे कहा। बेध्यानी में मत बात कह गया, ख्याल नहीं आ गया आप आ गए होंगे। देखिए बेध्यानी इसका मतलब क्या है, बेध्यानी यानी लापरवाही, क्या है लापरवाही। देखिए बेध्यानी लापरवाही से ये बात मैंने कह दी कि बाबूजी आ गए होंगे, नहीं कोई तो दूसरे होंगे, इसीलिए कहा। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। नहीं कोई बात नहीं है, उठकर इनसे कहा होगा आइए, आप आइए हम साथ साथ चाय पियेंगे। हमने कहा ठीक है, लेखक ने कह दिया कि क्या है, ठीक है बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो, चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। जल्दी से लेखक ने अपना हाथ मुंह धो लिया और जल्दी से कहा गए चाय पीने के लिए, जहाँ बाबूजी घर के लोग बैठे वहाँ गए पहुंचे। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया न कुछ जाहिर होने दिया। देखिए राम कहानी यानी क्या है, घटना, क्या घटना, जो घटी हुई घटना है,
और तर्क यानी दलील, जाहिर यानी प्रकट, तर्क यानी दलील, जाहिर यानी प्रकट। अब देखिए इसने इन्होंने उन्हें ये रात की जानकारी होगी या इसीलिए बुलाया होगा ऐसे कुछ नहीं लगा, और उन्होंने लेखक ने यानी पिताजी ने भी कुछ उनके मुख पर इस तरह की क्रोध गुस्सा आया है ऐसे कुछ दिखाया नहीं है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मी ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आ गए, कहाँ चले गए थे? तुम्हारी माँ ने बता दिया कि तुम रात को देर से आ गए हो, कहाँ चले गए थे? इस तरह का सवाल लेखक से किया। जवाब दिया, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। बता दिया बाबूजी कहाँ गए थे, एक जगह खाने पर गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए थे तो कैसे? जब मैं आया तो फियाट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? हाँ आप खाने पर गए थे, लेकिन मैं आ गया था उसी समय, तो अपनी गाड़ी तो अपने दरवाजे के सामने खड़ी थी, अब गए कैसे? कहना पड़ा हम इम्पाल शेवरलेट लेकर गए थे, बड़ी गाड़ी लेकर गए थे, बता दिया। बोले ओ ओ तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, तो आप लोगों को ये बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। अब देखिए यहां तक हो गया है, बचा हुआ जो हिस्सा है इसके आगे का पेज नंबर 59 पर जो जहां तक हो चुका है, ऊपर से नीचे से दो तीन परिच्छेद रह गए और बचा हुआ हिस्सा हम बाद में देख लेंगे।